नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी, मेरे सहयोगी रोहित पोखरियाल आपके साथ मौजूद। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान कांग्रेस में जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग में नहीं पहुंचे विधायक। मंत्री प्रताप सिंह खाचरदास का बाद में विधायकों के इस्तीफे का दावा है। 19 अक्टूबर के बाद प्रधान दल की बैठक होगी और आप देखिए दोनों ऑब्जर्वर जरूर पहुंचे, लेकिन विधायक जिन्होंने सीधा संदेश दे दिया आलाकमान के लिए कि तो वहीं गहलोत समर्थक विधायकों की तीन मांगे। 18 अक्टूबर के बाद राजस्थान में सीएम का ऐलान हो, गहलोत की पसंद को प्राथमिकता मिले, गहलोत गुट के विधायकों में से कोई सीएम बने, तो ये तीन बड़ी मांगे अब तक आई है अजय माकन के सामने। अब तक ये मांगे आई हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने और कहीं ना कहीं ये बात अब दिल्ली आलाकमान तक पहुंचाई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गहलोत गुट के विधायकों में से कोई सीएम बने इसकी उम्मीद और गहलोत समर्थक विधायकों में से तीन मांगे रखी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए गहलोत पायलट को तलब किया गया, हालांकि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी चाहती है कि जो भी अभी तक समस्याएं चल रही है कांग्रेस के भीतर खाने उसे हल किया जा सके। जादूगर के गेम में फंसा आलाकमान, जयपुर में जंग, दिल्ली के हाथ तंग। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। सीएम पद के लिए जबरदस्त खींचतान चल रही है। अशोक गहलोत का उत्तराधिकारी कौन हो इस पर आलाकमान से भी ठनती हुई दिखाई दे रही है। गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तस्वीर साफ होने के बाद सचिन पायलट राजस्थान के सीएम पद पर ताजपोशी का ख्वाब पाले हुए थे, लेकिन राजनीति के गुणा गणित में माहिर गहलोत की एक चाल के आगे फिर से बैकफुट पर आ गए। दोनों के बीच पहले भी खुलकर कुर्सी की लड़ाई सामने आ चुकी है। गहलोत के चुनाव लड़ने की वजह से आलाकमान इस बार सचिन पायलट के नाम पर राजी भी दिख रहा था, लेकिन गहलोत समर्थित विधायकों ने पायलट की उड़ान पर एक बार फिर ब्रेक लगा दिया। लोकतंत्र संख्या बल से चलता है ना, राजस्थान के विधायक जिसके साथ होगा वो लीडर होगा ना। 100 क्रॉस MLA एक तरफ है और 10-15 MLA एक तरफ है, वो है मेरी बात सुनिए आप। 10-15 अपनी अपनी बोलते रहेंगे, 10-15 MLA अपनी बात कहेंगे, उनकी सुनी जाएगी। जयपुर में आधी रात तक कांग्रेस का पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा। आलाकमान के निर्देश पर दिल्ली से दो दो पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन पहुंचे, लेकिन विधायकों ने आलाकमान के फैसले को दरकिनार रखते हुए बागी तेवर अपना लिए। उन्होंने साफ कर दिया कि सचिन पायलट किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो मैं आपको बता दूं कि पायलट गुट का कोई भी विधायक अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उनकी रणनीति यहाँ से क्या होगी आने वाले समय के लिए वो यहाँ से तय कर ली गई है, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो तमाम विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि बाकी जितने भी विधायक है जिन्होंने उस समय सरकार पर जब संकट था उस समय सरकार का साथ दिया था, आप चाहे उनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि सोनिया गांधी चाहती थी कि मामला रात में ही सुलझ जाए, लेकिन गहलोत समर्थित विधायकों ने आदेश की खुलेआम अवहेलना कर दी। रात में विधायकों की पर्यवेक्षकों के साथ 1-to-1 बैठक होनी थी, एक प्रस्ताव भी पास होना था, लेकिन विधायक पर्यवेक्षकों की मीटिंग में नहीं पहुंचे। अपने विरोध से साफ संदेश दे दिया कि उन्हें आलाकमान की बात से वो एकमत नहीं है। बदलते घटनाक्रम के बीच आज विधायक पर्यवेक्षकों से मुलाकात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिव वेणुगोपाल को अशोक गहलोत से बात करने को कहा, जिसके बाद वेणुगोपाल ने राजनीतिक संकट पर गहलोत से बात भी की। बातचीत के दौरान गहलोत ने वेणुगोपाल से साफ कह दिया कि मेरे बस में कुछ नहीं है, ये विधायकों की भावना है। गहलोत समर्थित विधायकों की तीन मांगे सामने आ रही है। धारीवाल जी ने कहा यार ये मुझे जाने नहीं दे रहे, वहाँ 90 से ज्यादा विधायक इकट्ठे हो चुके थे जब मैं पहुंचा। अच्छा। विधायकों ने कहा साहब हम आपके एक आह्वान पर सीएम साहब ने जब ये कहा कि मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, तुम्हारी हर भावना का मैं सम्मान रखूंगा, आप हम जो 108 विधायक 125 विधायक निर्दलीय भी वहाँ है हम आपके साथ खड़े रहे, पार्टी हमारी सुनती नहीं, अपने आप फैसले हो जाते हैं। में पहली है 18 अक्टूबर के बाद राजस्थान में सीएम पद का ऐलान हो, दूसरी मांग मुख्यमंत्री के नाम पर गहलोत की पसंद को प्राथमिकता मिले, और तीसरी मांग गहलोत समर्थित विधायकों से ही कोई सीएम बने। कई विधायकों के सीपी जोशी के नाम को भी आगे करने की खबर है।
82 विधायकों की बात सूत्रों के हवाले से सामने आई। प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से 92 विधायकों के समर्थन की बात कही गई, या फिर ये कहें कि 92 विधायक उस मीटिंग में है, इस बात को दोहराया गया। आइए रविवार के दिन राजस्थान की सियासत में क्या क्या हुआ उस पर एक नजर डालते हैं। शाम 6:05 पर मंत्री शांति धारीवाल के घर गहलोत गुट की बैठक हुई। शाम 6:50 पर गहलोत पर्यवेक्षक खड़गे और माकन से मिले। करीब 9 बजे गहलोत गुट के 92 विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंपा। रात 9:15 पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक रद्द हो गई। 10:45 पर आलाकमान से रात में फैसला हो जाने का निर्देश मिला, लेकिन विधायकों ने बैठक में न पहुंचकर एक बार फिर अपना विरोध दर्ज करा दिया। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनने के बाद ही बैठक होगी। साफ है 19 अक्टूबर से पहले विधायक दल की मीटिंग नहीं होगी। 19 अक्टूबर के बाद कांग्रेस विधायक सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट की सियासी अदावत कई सालों से चल रही है और ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस आलाकमान से राजस्थान कांग्रेस का मूड भापने में इस बार भी चूक हो गई। इतना साफ है कि गहलोत और पायलट गुट की कुर्सी की लड़ाई अभी दूर तक चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।